हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप 12th और 10th के बेस्ड पर मेरिट लिस्ट पर सिलेक्शन चाहते हैं, 2023-2024 के फॉर्म आ गए हैं, ठीक है। आपका आज से ही 1 जुलाई से फॉर्म भरे जा रहे हैं। कहाँ पर आपको जाकर के फॉर्म भराना है, सब कुछ आपके साथ में शेयर करेंगे। जल्दी से अगर आप चाहते हैं तो आवेदन कर दीजिए। टोटल सीटें यहाँ पर GNM की 453 रहने वाली हैं और ANM के लिए यहाँ पर 1800 सीटें हैं, ठीक है। अगर आप इच्छुक हैं तो ज़रूर से फॉर्म भरिएगा। किस तरीके से भरना है, चलिए आपके साथ में शेयर करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम मेरा जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर लेना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए, अपने क्रोम ब्राउज़र पर डायरेक्टली आप जाकर के DGMHUP आप सर्च कीजिएगा। आपको इस तरीके से एक पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा नीचे तक पेज आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक लिंक दिया होगा, ऑप्शन है यहाँ पर GNM ANM ट्रेनिंग 2023 एडमिशन पोर्टल। आपको यहाँ पर जाकर लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिन हो रहा है, लॉगिन होने के बाद इस तरीके से आपका पेज ओपन होकर के आ जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर UP, ठीक है। तो ये कंबाइंड एडमिशन पोर्टल है। नोटिफिकेशन देख लीजिए नीचे क्या क्या दे रखा है। आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है GNM के लिए, वो आज से शुरू हो गए हैं। 31 तारीख लास्ट डेट रहने वाला है। अगर चाहते हैं तो फिलअप कर दीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ANM के लिए यहाँ पर देख लीजिए, 1 तारीख यानी कि आज से शुरू है और आपने 31 तारीख तक भरने हैं, ठीक है। फॉर्म किस तरीके से भरना है, अगर आप ANM करना चाहते हैं, GNM करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा कौन सा आप कोर्स करना चाह रहे हैं। तो प्रोसीड पर हम जैसे ही यहाँ पर सिलेक्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपके पास में ये GNM ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन का और ANM ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन का ये पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा। इसको कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे तो आपको फर्स्ट करना है तो फर्स्ट कर लीजिए, सेकंड करना है सेकंड कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए GNM का पोर्टल हमने यहाँ पर भर दिया है, जो भी ये पोर्टल दे रखा है, तो प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद में आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, सब कुछ आपके साथ में यहाँ पर वो देंगे, ठीक है। सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया है। देखिए, ये आपकी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म दे रखी है, चाहे तो आप ओपन करके देख लीजिए। उसके बाद में रजिस्टर ऑनलाइन फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन पत्र के लिए आवेदन रजिस्ट्रेशन पंजीकरण यहाँ पर कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, अपना आवेदन पूर्ण करने के लिए यहाँ पर बताया गया है। अगर नहीं है तो इतने तारीख तक पूरा कर ले, ठीक। लिंक द बैंक वेबसाइट फॉर प्रिंटिंग ई चालान एंड डिपॉजिट एप्लीकेशन फ़ी। आपको फ़ी जो डिपॉजिट करनी पड़ेगी, वो आपको चालान मोड से करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आप जो वेबसाइट मैंने बता रखी है, वहाँ पर जाकर आप डिपॉजिट कर दीजिएगा। इसी के थ्रू बननी है, आप कर दीजिए। उसके बाद में आप ई चालान प्रिंट करके आपका यहाँ पर शुल्क जमा करने हेतु वेबसाइट आपकी ये आप बताई दी थी ऊपर, जो मैंने आप बताई थी, ठीक है। सो यहाँ पर देख लीजिए, प्रिपेयर प्रिपेयरली लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर, परीक्षण केंद्रों की वरीयता सूची तैयार करें, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट योर फिल एप्लीकेशन डिटेल, भरा हुआ आवेदन पंजीकरण विवरण, अपना प्रिंट आउट निकलवा लें, ठीक है। यही सब बताया हुआ है, तो ये सब आप देख लीजिए। उसके बाद में अगर चाहो तो मैं ये आपकी गाइडलाइन देख लेते हैं। गाइडलाइन क्या है, ओपन हो रहा है तब तक आप वेट कीजिए। तो रिलीज़ यहाँ पर जनरल गाइडलाइन, ठीक है। टेक्नीशियन गाइडलाइन, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन ऑफ डिपॉजिट एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप पहला देख लेते हैं, थोड़ा समय लेगा, नेट थोड़ा सा स्लो है, पता नहीं ओपन होगा भी कि नहीं। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, हो गया। तो देख लेते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन GNM के लिए। यहाँ पर देख लीजिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, GNM ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपका 3 साल का ट्रेनिंग रहने वाला है। आपकी टोटल सीटें 453 हैं,
ठीक है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये आपको वेबसाइट दे रखी है, आपका रजिस्ट्रेशन 1 से लेकर 31 तक रहने वाला है। फीस भी आपको यहीं इसी वेबसाइट के थ्रू चालान से आपको करानी पड़ेगी। उसके बाद में आपका यहाँ पर मार्क्स और क्वालिफिकेशंस दिया है, 40% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश से आपका, ठीक है। उसके बाद में 10+2 प्रोफेशनल एएनएम ट्रेनिंग अगर किए हुए हैं तो उनके लिए ये दे रखा है। उसके बाद में एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगी आपकी, एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए 200 रुपये, SC ST OBC और OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर रहने वाली है 100 रुपये, ठीक है। फ़ी टू बी पे ऑनलाइन वाइल अप्लाइंग फॉर एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तभी आपको ऑनलाइन थ्रू आपकी फ़ीस यहाँ पर सबमिट कर देनी है, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन की दे रखी है, 10% रिजर्वेशन फॉर मेल कैंडिडेट, यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन है 10%, अगर चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट आपकी दे रखी है यहाँ पर, SC ST के लिए रिलैक्सेशन है। उसके बाद में यहाँ पर 17-16 साल होना आपका अनिवार्य है, कब से, 31/12/2022 से पहले पहले अगर आप 17 साल के हैं तो आप डेफिनेटली ये कोर्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तो रही आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद में एक बार और यहाँ पर दे रखी है काफ़ी सारी चीज़ें, वो भी आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अपर लिमिट एज रिलैक्सेशन दे रखा है यहाँ पर, SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए यहाँ पर 3 साल का दे रखा है। लिस्ट ऑफ 9 GNM स्कूल, ठीक है, प्रेजेंट इन पोर्टल। देखिए आपके यहाँ पर कुछ कॉलेजेस के नेम दिए रखे हैं, वो आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए, पहले डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट लगेगी, ID प्रूफ लगेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है ANM का तो आप भर, अगर किया है आपने तो वो लगेगा। उसके बाद में करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इंस्टीट्यूट जहाँ से भी आपने कुछ भी कर रखा हो। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद EWS का है तो अगर सर्टिफिकेट तो आपका लगेगा, ठीक है। लेटेस्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर डिसेबिलिटी अगर सब है किसी में तो वो डिसेबिलिटी का भी दे सकते हैं। एक्स सर्विस मैन है कोई तो वो अपना एक्स सर्विस मैन का सर्टिफिकेट दीजिए, ठीक है। तो ये सब तो सर्टिफिकेट की बात हो गई। उसके बाद में आप ये गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, कॉलेज नेम देख लीजिए, ठीक है। कानपुर नगर में है आपका स्कूल ऑफ नर्सिंग, UHM हॉस्पिटल, ठीक है, स्कूल ऑफ नर्सिंग LLR हॉस्पिटल कानपुर नगर, प्रयागराज में है, बरेली का है, आगरा में है, उसके बाद में गोरखपुर में भी दे रखा है। सीटें आप देख ही सकते हैं, आपकी सीटें इस साइड में आपको दिख रही होंगी। ये सभी आपको, एक साइड कर लेते हैं, एक मिनट, ये आपको सीटें देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। तो ये सब हैं, लखनऊ में आपकी 77 सीटें हैं जो कि स्कूल ऑफ नर्सिंग गांधी मेमोरियल एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल KGMU से है। तो उसके बाद में ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। मैं आपको चाहो तो टेलीग्राम पर भी आप मुझे कमेंट कर देना तो मैं टेलीग्राम पर आपको वहाँ पर भेज दूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप खुद से भी समझ लीजिए। तो ये तो रही कॉलेज की बात, ठीक है। उसके बाद में आप अच्छी तरीके से अपना समझ लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ANM का और एक बार चेक कर लेते हैं, जो बच्चे ANM करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सिंपली फिलअप कर लेंगे, ANM के लिए प्रोसीड कर देंगे, यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर आप खुद से भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपकी डेट है वो तो यहाँ पर दे ही रखी है, मेंशन आप जानते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट गाइडलाइन भी देख लीजिए, एक बार शेयर कर लेते हैं आपके साथ में। ओपन हो रहा है कि नहीं, ठीक है, ओपन हो गया। कभी कभी प्रॉब्लम आती है साइट पर लॉगिन करने में, प्रॉब्लम होती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए आपका ये ANM के लिए, ठीक है, ANM के लिए आपका क्या है, यहाँ पर 2 वर्ष का होने वाला है, 1800 सीटें हैं। आपको रजिस्ट्रेशन इस पे अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे करवा लेना है जा करके। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो शैक्षिक आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके यहाँ पर दे रखी है, हाई स्कूल में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, किस तरीके से आप उत्तीर्ण होने चाहिए। आवेदन की शुल्क है वो आपकी 200 रुपये रहेगी सामान्य वर्ग के लिए, अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो भी SC ST OBC वाले हैं उनके लिए 100 रुपये रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, फीस तो सेम ही है। उसके बाद में यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं,
आयु सीमा से रिलेटेड ये 17 वर्ष से कम होना चाहिए, ठीक है। महिला के लिए है, परीक्षण के लिए अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु, ठीक है, ये सिर्फ ओनली यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। तो ये बात भी आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, आई थिंक नहीं है रजिस्ट्रेशन मेल कैंडिडेट के लिए, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो वे ही यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सीटें एक बार ज़रूर से देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए, ये तो आपका प्रोसीजर रहने वाला है, किस तरीके से आपको अपना आवेदन फॉर्म भरना है, कब तक भरना है, क्या क्या रहेगा, फीस मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, आप एक बार चेक कर लीजिए। हाई स्कूल मार्कशीट लगेगी, पहचान पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आशा कार्य स्त्री आशा संगिनी प्रमाण पत्र, जो भी यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लिस्ट ऑफ कॉलेज सीट दे रखी है आपकी, यहाँ पर आगरा में ANMTC हलवाई की, हाँ जो भी नेम हो, ठीक है, बड़ा अजीब सा नेम था। उसके बाद में यहाँ पर ANMSTC, ठीक है, जो भी यहाँ पर आगरा का है, अयोध्या का है, आजमगढ़, ठीक है, जहाँ भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सीटें दे रखी हैं आपकी, सीट भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूँगी सीटों की यहाँ पर ये जो PDF है। उसके बाद आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए किस तरीके से आपको फॉर्म बनाना है। आई होप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे क्या क्या यहाँ पर डिटेल आपके साथ में हमने शेयर की है, ठीक है। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और फॉर्म अगर चाहते हैं तो जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।